डभोई थरवासा चौकड़ी से नर्मदा कैनाल पर का रोड भी बिस्मार बनते हुए यहां से गुजरते वैसे वाहन चालक सहित गांव लोगों की गंभीर परेशानियां बढ़ी है। डभोई तालुका में कच्ची खोखली कामगिरी की बदौलत तालुका के ग्रामीण विस्तार को जोड़ते वैसे रोड रास्तों की हालत काफी खस्ता बन चुकी है। डभोई थरवासा चौकड़ी पास से गुजरती वैसी नर्मदा कैनाल पर का रोड भी पिछले 25 दिनों से तोड़ने के कारण यहां पर से लोगों को गुजरना मानोसर के दर समान साबित हो रहा है। जहाँ थरवासा चार रास्ते से पौड़ ब्रांच कैनाल पर अंदरूनी गाँव को जोड़ता रोड नर्मदा निगम द्वारा बनाया गया है, जहाँ ये बारिश के कारण ये रोड भी खस्ता बनते हुए कैनाल में भी गहरे गड्ढे निर्माण हो चुके हैं। 5 फीट तक रोड की खुदाई करने के बीच अभी भी 25 दिन का वक्त गुजर जाने के बावजूद ये कैनाल के गड्ढे की मरम्मत कामगिरी नहीं की गई। यहां से गुजरते वैसे वाहन चालकों को तथा गांव लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ रही है। साथ ही अगर कैनाल में पानी ज्यादा आता है तो किसानों के खेत में भी पानी भर जाने के साथ उनकी खेती भी बर्बाद होने की संभावना बढ़ी है, जिसको लेकर स्थानिक ग्रामीण विस्तार के किसान तथा गाँव लोगों द्वारा ये रोड रास्ते और कैनाल के गड्ढे की मरम्मत की लोक मांग उठाई है। छेल्ला 20-25 दिवस पहला डभोई नी अंदर मुसळधार वरसाद पड्यो तो अने आजूबाजू में पण वरसाद खूब प्रमाण में पड्यो तो त्यारे डभोई नी घणी सोसायटीओ में पानी 2-3 दिवस सुधी ने पानी भराई गया था अने लोकोने घरनी बहार निकळवू मुश्किल पड्यु तो त्यारे नगरपालिका अने केनाल खाताना अधिकारीओ द्वारा जे अमारी थरवासा रोड उपर नर्मदा केनाल आवेली छे जे नळा तरफ जई रही छे ये केनाल मां कट पाडीने जे सोसायटी बाजूनुं पाणी हतुं ए बधुं केनाल मां नाखीने अने सोसायटीओमांथी पाणीनो निकाल थाय एवी व्यवस्था गोठवी हती। आ व्यवस्था गोठव्या बाद घणा समय थई गयो होय ज्यारे कट पाडेलो छे ए कट आजे पण आ नर्मदा केनालना अधिकारीओ पूरेलो नथी। हवे वरसाद जशे अने ज्यारे खेडूतोने पाणीनी जरूर पडशे अने केनालमां पाणी छોડવામાં આવશે ત્યારે આ જે કટ છે તેમાંથી જ પાણી સોસાયટીઓમાં પાછું જશે અને ખેડૂતોને પાણી મળે નહીં, તો આ જે ઘોર નિદ્રામાં આ તંત્ર પડી રહ્યું છે તેને હું વિનંતી કરું છું કે વહેલીમાં વહેલી તકે આ કટ પૂરી દેવામાં આવે જેથી ખેડૂતોને પણ પાણી મળે અને પાણી છોડે ત્યારે સોસાયટીઓમાં પણ પાણી પાછું પ્રવેશતું અટકે એવી અમારી માગણી છે।